नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ रही है, खरीदारी करके चलना सही रहेगा या बिकवाली, और आगे वो कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जिनके अंदर आप अच्छा मुनाफा कमा के चल सकते हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करें हम यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो हम देख रहे हैं कि आज सोना इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर $1797 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 0.25% की गिरावट है। ये जो सिल्वर देख रहे हैं कि $23.5 पर कारोबार करती नजर आ रही है, 0.5% की गिरावट के साथ, तेजी के साथ। हम देख रहे हैं कि सोने चांदी में कल के मुकाबले आज यहाँ पे हल्की बढ़त बनती नजर आई है। दरअसल जो US डॉलर है वो 16 महीने के ऊपरी स्तर से अब कहीं ना कहीं फिसलता नजर आया है, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों पे एक हल्का तेजी का असर पड़ता दिखाई दिया है। और कुछ जो US इकोनॉमिक डेटा है वो निकल के आया है, वो रिलीज हुआ है, जिसमें इन्फ्लेशन में तेजी देखने को मिली है, महंगाई थोड़ी बढ़ के आई है, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों को सपोर्ट मिलता नजर आया है। हाँ, इससे पहले हमने देखा था कि जो फेडरल रिजर्व बैंक ने बोला था कि ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा, बाद में बढ़ोतरी करने की बात कर रहा है, इसकी वजह से हमने सोने चांदी कीमतों में नरमी आते देखी थी। लेकिन अब देख रहे हैं कि एक हल्की बढ़त बनती नजर आ रही है और सोना एक बार फिर से $1800 के करीब जाता नजर आ रहा है। तो क्या सोना $1800 के ऊपर एक बार फिर से ट्रेड करने में कामयाब हो पाएगा और क्या चांदी की चमक फिर से बढ़ती नजर आएगी, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीबी पर। जी शुक्रिया रूपा जी। देख रहे हैं कि सोना एक बार फिर से $1800 की ओर अग्रसर होता नजर आ रहा है, चांदी में भी देख रहे हैं आज बढ़त बनती नजर आ रही है, चांदी भी हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन चमकती नजर आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आज सोना $1800 के ऊपर निकल पाएगा और आने वाला कारोबारी सप्ताह सोने चांदी के लिए कैसा रह सकता है? देखिए, सोने और चांदी के अंदर अभी वापस से हल्के अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। $1800 के बेहद करीब सोना जाता हुआ नजर आ रहा है और अभी डॉलर में थोड़ा सा प्रेशर आया है, जिसकी वजह से सोने को स्ट्रेंथ मिलती हुई नजर आई है। और जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं कोविड के केसेस को लेकर, उसका एक इम्पैक्ट जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से सोने में वापिस से सेफ हेवन डिमांड हावी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अभी रेंज है फिलहाल तो $1780 से $1820, $1820 के ऊपर निकलता है तो वापिस से मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं घरेलू बाजारों की बात करें तो घरेलू बाजारों में अभी सोना जो है ऊपर में 48,200 तक जा सकता है, नीचे की बात करें तो नीचे में भी 200 से 500 रुपए की करेक्शन इसके अंदर अभी भी बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल सोना एक रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है और इसकी जो रेंज डोमेस्टिक मार्केट में बनती हुई दिखाई दे रही है वो 47,400 से लेकर 48,000 के बीच में है। अभी फिलहाल आज इंट्राडे में 47,800 तक एक बार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वही चांदी की बात करें तो चांदी में भी थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से और चांदी 64,200 तक ऊपर निकल सकती है। जी, ये सर जी बात करें अगर कच्चे तेल की, तो जो भारत समेत बाकी देश हैं जिन्होंने एकत्र होकर फैसला लिया है कि कच्चे तेल में के अपने जो इमरजेंसी स्टॉक्स हैं उनमें से इन्वेंट्रीज रिलीज करेंगे, उसका असर हम आज कच्चे तेल की कीमतों पर साफ साफ पड़ता देख रहे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल में $2 की गिरावट है, 2% की भी गिरावट देखने को मिल रही है और $80 पर ट्रेड कर रहा है, कल को $82 पर था। वहीं ठीक उसी तरह से WTI $78 से अब सीधा $76 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 3% की गिरावट WTI में बनती नजर आ रही है। रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से जो इन्वेंट्रीज हैं लगातार कच्चे तेल की रिलीज करी जा रही हैं तो माफ कीजिएगा, तो क्या कच्चा तेल की जो गिरावट है क्या आने वाले दिनों में और ज्यादा गहरा सकती है? फंडामेंटल जो है वो यही इशारा कर रहे हैं कि कच्चे तेल में आगे चलकर थोड़ा सा दबाव जो है वो बना रह सकता है। देखिए, एक तो ये रिजर्व में से जो ऑयल निकाला जा रहा है इसका भी एक इम्पैक्ट है और दूसरा अब आप देखिए एक ये भी माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कोरोना फैला है और इसके चलते एक बार कच्चे तेल की डिमांड के ऊपर भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से प्राइजेस ऊपर से फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज भी 2% डोमेस्टिक मार्केट भी लुढ़का हुआ है। तो अभी मान के चलिए कि कच्चा तेल प्रेशर में ही रह सकता है। आज इंट्राडे की बात करें तो 5640 नीचे में एक इसका सपोर्ट है 5640, लेकिन आज इंट्राडे में 5580-5560 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी, ये सिर्फ जी नजर डालें अगर बेस मेटल्स की कीमतों की तरफ,
तो बीते सत्र में हमने बेस मेटल्स में शानदार रैली आते हुए देखी थी, निकल ने काफी अच्छी तेजी दिखाई थी, वहीं आज देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग बनती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या आज हफ्ते के एक आखिरी कारोबारी दिन क्लोजिंग होते होते बेस मेटल्स में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल पाएगी या फिर आज यही नरमी वाला रुझान देखने को मिलता रहेगा? देखिए आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और लगातार हमने इस हफ्ते बाउंस बैक आते हुए देखा है और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद है। निकल जो है अभी भी यहाँ से नीचे में अगर देखिए लुढ़कता है तो $1,560 है और ऊपर में 1620 तक की एक अपसाइड मोमेंटम बन सकती है। थोड़े से डिप पर इसके अंदर बाइंग की जा सकती है, इंट्राडे में हो सकता है आपको नीचे में $1,560 भारतीय बाजारों में देखने को मिले। 1560 के आसपास इसमें वापस से बाइंग इनिशिएट की जा सकती है 1540 के छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। वहीं अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर नीचे में आज इंट्राडे में 738 तक जा सकता है, वहीं 732 के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर अभी भी बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। डीप आने पर इनमें खरीदारी करके चला जा सकता है। और जहां तक जिंक की बात है, जिंक भी अपने ऊपरी स्तरों से लुढ़का है, 272 एक बार नीचे में टच कर सकता है, 272 के आसपास सपोर्ट ले सकता है और फिर वापस से जो है 278 से 280 तक जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, इंट्राडे में आपको 1 से 2 रुपए की करेक्शन जिंक वगैरह में देखने को मिल सकती है, कॉपर भी लुढ़क सकता है 3 से 4 रुपए। तो फर्स्ट हाफ के लिए आप बिकवाली में रह सकते हैं, लेकिन वहीं सेकेंड हाफ में मुझे लगता है कि वापस से इसमें तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, बात करें अगर नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में बढ़त बनती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, आज इंट्राडे में हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन नेचुरल गैस का कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ पाएगा? नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में अभी बाजारों में कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है। आज जरूर 0.1% की तेजी बाजारों में देखने को मिल रही है, 382 तक हो सकता है कि एक बार नेचुरल गैस ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इसमें पॉजिटिवनेस नहीं लगती। मेरे हिसाब से इसको नीचे जो है 360 के आसपास एक बार लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है, तो अभी 388 से 390 के टारगेट के लिए फर्स्ट हाफ में बाइंग आ सकती है। जी रूपा जी, जानना चाहेंगे आपसे आज हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन वो कौन सी नॉन एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनमें आज जिनमें इंट्राडे में आज अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है और आने वाले कारोबारी सप्ताह में भी वो मुनाफा देके चल सकती हैं? बन रहा है इसमें सोना और चांदी बाइंग में जा सकते हैं, तो अगले हफ्ते के लिए आप इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। वहीं कच्चे तेल में बिकवाली की रणनीति ली जा सकती है और इसके साथ ही बेस मेटल्स के अंदर कॉपर और निकल वापस से खरीदारी करके चला जा सकता है, यानी सोना चांदी और बेस मेटल में खरीदारी अगले हफ्ते भी मुनाफा देती हुई दिखाई दे सकती है। और वहीं कच्चा तेल ऊपरी स्तरों से लुढ़कता हुआ एक बार फिर से दिखाई दे सकता है और नीचे में $75 के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नीचे में $72 तक भी कच्चा तेल लुढ़क सकता है। जी तो ये हमने जाना था रूपा जी से कि आज नॉन एग्री का कमोडिटी बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, नॉन एग्री कमोडिटीज में आने वाले कारोबारी सप्ताह में कैसा कारोबार देखने को मिल सकता है और कौन सी कमोडिटी में मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी। अभी रुकेंगे यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और चर्चा होगी कृषि फसलों के बारे में।